नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। बालाघाट जिले की वारा सिवनी सब्जी मंडी में आग। सुबह करीब 11 बजे भीषण आग लग गई, जहां दो सब्जी दुकान और एक कपड़ा दुकान सहित तीन दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना की जानकारी लगने पर दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, जिसके बाद इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी से दुकान संचालकों व्यापारियों को लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित दुकान संचालकों ने बताया कि प्रतिवर्ष शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आगजनी की घटना होती रहती है, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हो जाता है, जहां उन्होंने शासन से मुआवजे की मांग की है। मिश्रा जी, कैसे हुई घटना और हर साल हो रही है एक दो साल के अंतराल में? अभी हम अनुभाग के अधिकारी महोदय क्या कल बाजार के संबंध में चर्चा करने गए हुए थे, इसी बीच में हमें फोन आया प्रतिनिधिमंडल के साथ कि सब्जी मार्केट में अंगार लग गई है। तो तत्काल हम वहाँ से लौट के आए और जाके देखी कि हमारे सब्जी व्यापारी संघ के जो सदस्य भाई मनगटे जी की दुकान में और एक भाई है जो कपड़े की दुकान है, उनके में भीषण आग लग गई है, क्योंकि उनको इससे बहुत काफ़ी आर्थिक क्षति। ये आए दिन, इससे पहले भी एक बार बहुत भीषण आग लगी थी पूरी सब्जी मंडी में। बंगाल किसी साग से किसी लगी है, वो किसी की आग की बात तो नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जो ताजी उनको हुई है, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है और हम हर संभव उनके साथ मदद करेंगे और उनको नए सिरे से उभारने का हम पूरा प्रयास करेंगे। क्या मांग करेंगे शासन से? हम शासन से मांग करेंगे हमको उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनको जीवन स्तर उनको पारिवारिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से शासन से मांग करेंगे कि उन्हें हर संभव मदद की जाए। अच्छा, ये जो तीनों दुकान में आग लगी, बढ़ सकती थी आग, बड़ी दुर्घटना टल गई? हाँ, बहुत बड़ी दुर्घटना टली है इससे। जो तो भाई है कपड़ा दुकान वाली, भाई का तो कहना है कि 4-5 आग उन्होंने कपड़े कल ही लाई थी और